प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आप सभी का फिर से हाउस ऑफ प्रेयर की इस ऑनलाइन वर्शिप में हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि इस माध्यम के द्वारा हमें एक दूसरे को हौसला बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे का उत्तेजन का कारण बन सकते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और आप सभी के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि अलग अलग कोने से भारत देश में आप अलग अलग जगह पर हो, पर रेगुलर रूप से आप इस पे जुड़ते हो। हम आपके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो समय प्रभु ने हमें दिया है कि उसकी आराधना हम कर सके, एक ऐसा दिन जिसमें हम अलग अलग स्थानों में पर आत्मा में एक होकर उस महान पिता परमेश्वर को महिमा दे सके, आराधना कर सके, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं ऐसे माध्यमों के लिए भी। तो आइए हम वचन में जाए, उससे पहले छोटी दुआ करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के सामने ले जाएंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे तैयार कर, तेरे वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। तू क्या चाहता है मेरे जीवन के लिए, जो भी बातें तूने आज रखी है उन बातों को तू प्रकट कर। तेरा वचन है जो हमें उजाले में ले जाता है, तेरा वचन ही है जो हमारे जीवन को सही राह बताता है। अगर तेरा वचन ना हो तो हम राह में भटक जाएंगे प्रभु, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं ऐसी जगह हम पहुंच जाएंगे। पर प्रभु तू नहीं चाहता है कि हम ऐसे भटक जाए हमारे जीवनों में, और इसीलिए प्रभु तूने अपने वचनों को भेजा है प्रभु जी। और हम यही दुआ आज करते हैं, हम सब मिलकर, आप जहां भी प्यारो बैठे हो, मेरे आपसे गुजारिश है प्रभु से प्रार्थना करें, अपने हो सके तो मुंह खोलकर प्रार्थना करें या तो मनो में मुंह बंद रखकर भी आप करें, पर दुआ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे वचन से मुझे अगुवाई मिले, तेरा वचन आज मेरे जीवन को लीड करे, अगुवाई करे। मैं इंसान या तो लोगों की बताई हुई नहीं, ऐसी बातों पर नहीं, पर प्रभु तेरे वचनों पर आधारित जीवन जीना चाहता हूं, और इसलिए मुझे तेरे वचन की जरूरत है। तेरा वचन हमारे मार्गों के लिए उजाला है प्रभु। हम मांगते परमेश्वर आज फिर से तू हमारे साथ व्यवहार कर, जितने भी लोग जुड़े हैं सुन रहे प्रभु, उन हर एक की तू मदद कर। पवित्र आत्मा हमारी निर्बलताओं को दूर कीजिए, कमजोरियों को दूर कीजिए, ताकि आपकी बातों को हम समझ सके, इसे हम शारीरिक तौर पर नहीं पर आत्मिक तौर पर समझ सके, और इसके लिए आप हमें काबिल बनाए प्रभु आज, कि प्रभु हम तेरी बातों को आत्मिक तौर पर आत्मिक रूप से समझ पाए। प्रभु हम ऊपरी ऊपरी समझ नहीं, पर प्रभु तेरे मन में जो बात तू समझ रखता है वो समझ हम पाए प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते, आपके चरणों में अपने आप को झुकाते हैं। शैतान की हर युक्तियों को हम यीशु मसीह के बड़े पवित्र नाम से निष्फल करते हैं। यीशु के नाम में यदि कोई अंधकार में चल रहा है तो यीशु के नाम में आज तेरे वचन का प्रकाश उनके जीवनों पर छाए, और प्रभु तेरा उजाला उनके जीवनों पर आए परमेश्वर, ताकि वो आगे को अंधेरे में न रहे पर यीशु उजाले में वो चल पाए। प्रभु प्रभु यीशु का लहू इस वचन पर और सुनने वाले हरेक व्यक्तियों के मनों पर, उनकी इच्छाओं पर, उनके कानों पर होने पाए, हम सभी पर, इस वातावरण पर, इस पूरे नेटवर्क पर यीशु के लहू को हम छिड़कते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्यारो आज का जो वचन है वो उस बात को लेकर है जिसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कुछ बातें जब इस संसार में वे थे तब उन्होंने बोली थी, कुछ बातें उन्होंने, कुछ शिक्षाएं उन्होंने उदाहरण के रूप में, मतलब दृष्टांतों के रूप में, पैराबल्स के फॉर्म में दी, कुछ बातें उन्होंने डायरेक्टली बोली, और दृष्टांतों के बारे में वहां पर इसलिए बोला, वहां पर अगर बीज बोने वाले के दृष्टांत को आप पढ़ो तो वहां पर लिखा है कि ये जो कुछ भी रहस्य वो आपके लिए है, नहीं
प्रभु कुछ बातें दृष्टांत में इसलिए बोले कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग उनका इशारा समझ जाए। और एक जगह प्रभु ने ऐसा भी मत्ती रचित सुसमाचार वहां पर ऐसा बोला, नौवा अध्याय आप निकाल सकते हो, मत्ती 9:16 और लूका 5:36 दोनों एक ही बात लिखी है, पर आइए पढ़ लेते लूका 5:36 क्या लिखा है दृष्टांत में। देखिए यहां पर भी लिखा है दृष्टांत में। आज का जो वचन है वो प्यारो नई वाचा के प्रकाश में चलना, उसको इस विषय पर है। नई वाचा के प्रकाश में एक विश्वासी कैसे चल सकता है? एक विश्वासी को चलना है तो किस आधार पर चलना है उसे? नई वाचा के प्रकाश पर। बोलिए नई वाचा के प्रकाश में मुझे चलना है। यस, फ्री फ्रॉम द लॉ, नियम से स्वतंत्र। अब कैसे? यहां क्या लिखा है, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़ कर पुराने वस्त्र में पेबंद नहीं लगाता, लूका 5 में मैं पढ़ रहा हूं, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। क्या लिखा है फिर से मैं पढ़ता हूं, उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़ कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। बहुत सारी बातें ऐसी है जिसको विश्वासी अपने जीवन में मिक्स कर लेता है। बहुत सारी बार इस मिलावट की वजह से अपने जीवन में वो आगे बढ़ने में बहुत ही नहीं संघर्ष का सामना करता है, उलझनों का सामना करने लगता है कि यार ये यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु ने ऐसा वचन लिखा है ऐसा बोला है तो यहाँ पर तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु मेरे साथ तो देख नहीं रहे, पहले यहाँ पर बोल रहा है कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अकेला क्यों हूं यहां पर। यारो हमें यह समझना बहुत जरूरी है, पुरानी वाचा को और नई वाचा को हम एक साथ नहीं जोड़ सकते। बहुत सारे विश्वासी पुरानी वाचा और नई वाचा में क्या फर्क समझते पता, पुरानी वाचा और नई वाचा में क्या फर्क समझते, एक कोरे पन्ने का। हाँ, इस बाइबल में दो वाचा के बारे में वर्णन किया गया है ना, पुरानी पहला भाग है पुरानी वाचा और दूसरा नई वाचा, नया नियम, पुराना नियम और नया नियम, उसके बीच में एक पन्ना आता है वो कोरा है। तो प्यारो ये वो डिफरेंस नहीं है, है ना, हमें इसको किताब या तो पुस्तक के रूप में नहीं समझना है बाइबल को, और विशेष कर नई वाचा की जो बात है उसको लेकर आज जो वचन है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये डिफरेंस सिर्फ एक पन्ने का डिफरेंस या तो किताबों का डिफरेंस नहीं है प्यारो, ये वाचा का मतलब क्या है, ये परमेश्वर ने खुद अपनी प्रजा के साथ पुराने नियम में, पुराने समय में, पुराने नियम में जब बोलते मतलब पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तब वहां पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने उस समयों में यीशु मसीह के आने के पहले के समय की बात है, नहीं उन समय में परमेश्वर ने कैसे व्यवहार किया और क्या क्या नियम दिए कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं? और इस आधार पर कई बार विश्वासी लोग बहुत बड़ी उलझन में फंस जाते हैं। मेरे ख्याल से ये आयत हम निकाल के पढ़ ही ले तो अच्छा है, निर्गमन 19:5 आप निकाल कर पढ़े, देखे निर्गमन पुराने नियम में 19:5 देखो यहां पर क्या बोला था परमेश्वर ने, सीनाई पर्वत के पास जब इज़राइली लोग थे वहां पर परमेश्वर ने ये बात बोली थी, मिस्र देश से निकले इनको 3 महीने बीत चुके थे और वो सीनाई के जंगल में आए थे, वहां पर ये बात हो रही है। 5वीं आयत पर देखिए, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, इसलिए अब यदि, इफ लिखा है शब्द इफ, कंडीशन, जहां पर भी इफ या तो यदि आता है इसका मतलब है कंडीशन
अप्लाई, है ना, शर्त, शर्त के अधीन। तो यहां पर क्या शर्त है परमेश्वर ने यहां रखी है कि यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ठहरोगे क्या लिखा है, मैं ये शब्द निश्चय मेरी मानोगे, यदि मानोगे, यदि करोगे तो ठहरोगे। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल की बात की है, कंडीशन अप्लाई, अगर ये करोगे तो, इफ देन दिस, अगर ये करोगे तो ये होगा। अब यहां पर विश्वासी कई बार बहुत बड़ी उलझन में फंस जाता है कि मैं ये आज्ञा का पालन करना चूक गया हूं, अब मेरे ऊपर श्राप आएगा, अब मेरे ऊपर बहुत भारी संकट आएगा, या तो मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएगी। अच्छा, मेरा जीवन क्यों ऐसा भर, ऐसे संघर्षों से भरा है? हाँ, कहीं ना कहीं मैं आज्ञा नहीं पालन कर रहा हूं, कुछ आज्ञा है जो जिसका मैं पालन नहीं कर रहा हूं, कुछ बातें जिसके बारे में मैं नजरअंदाज कर रहा हूं, या तो जानबूझकर मैं कोई गलती कर रहा हूं, या तो अनजाना में गलती कर रहा हूं। तो प्यारों, इन विचारों में इंसान फंस जाता है, विशेषकर विश्वासी व्यक्ति, जो लोग ये जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता समझे। पर वचन क्या कहता है, यीशु ने क्या बात बोली कि कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़ कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं। अब यहां पर प्रभु ये बोलना चाहते हैं, तुम पुरानी शिक्षा को और नई शिक्षा को साथ मिलाकर कभी भी नहीं चल पाओगे। यस, तुम पुरानी शिक्षा और नई वाचा दोनों को साथ मिलाकर कभी भी नहीं चल पाओगे। हाँ प्यारो, ये बहुत बड़ी वास्तविकता है जो हर एक विश्वासी को आज समझने की बहुत बड़ी जरूरत है प्यारो, और बहुत सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन इस समझ के द्वारा ही निपट जाएगा, बहुत सारे प्रश्नों का समाधान इन समझ को प्राप्त करने के द्वारा ही दूर हो जाता है। इसलिए आज का विषय, मुझे पता नहीं, बहुत दो तीन विषय मेरे पास कल थे कि मैं इनके बारे में बोलूं, इसके बारे में बोलूं, पर बार बार पता नहीं क्यों ये ही कुछ वचन मेरे सामने प्रभु ला रहे थे। मुझे समझ में आया कि प्रभु कुछ ऐसा लाना चाहता है जिस प्रकाश में हम आशीषित हो पाए। अब मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, भारत देश में हर दिन कुछ ना कुछ नए नए कानून बनते हैं। मान लो कि कुछ व्यवस्था अगर भारत देश की प्रजा को, जनता को सरकार देना चाहती है तो कुछ कानून या तो कुछ व्यवस्थाएं बीच में लाती है, या तो कुछ जिसको बोलते हैं फॉर्मालिटीज, कि भी आपको इतनी फॉर्मालिटीज पूरी करनी पड़ेगी तब जाके आपको इतना फायदा होगा, इस योजना के तहत आप फायदा उठा सकोगे, अदरवाइज इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारी योजनाएं, माँ कार्ड ने, ये ने, फलाना ने, बहुत सारी योजनाएं है ने। बहुत समय पहले रेशनिंग कार्ड बहुत आवश्यक बात है ना, आधार कार्ड, रेशनिंग कार्ड। कई बार हम कई जगहों पर जाते बोलते, वो हमसे मांगते आपका लाइए आपका आधार कार्ड दिखाइए, हम बोलते भाई साहब आधार कार्ड तो नहीं है हमारे पास, बोलते फिर निकलवाइए, उसके बगैर आपको इस योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा। नहीं, कुछ फॉर्मालिटी पूरी होनी जरूरी है। अब क्या होता है, मान लो रेशन कार्ड कि भाई कोई योजना बाहर सरकार ने निकाली है और बोला है कि जितनों को इस योजना में लाभ लेना है आप रेशन कार्ड को लेकर आइए अपने पास जो भी है। अब सभी लोग बड़ी लाइन हो जाती है रेशनिंग कार्ड लेकर, और आप जाकर वहां खड़े रहते हो, आप दिखाते हो कि भाई लीजिए रेशन कार्ड, वो दुकानदार वो बोलता है कि भाई ये रेशन कार्ड तो पुराना है, हमें तो नया चाहिए, अपडेटेड, ये नहीं चलेगा। बोले क्यों नहीं भाई, ये रेशनिंग कार्ड ही तो है। तो बोले नहीं नहीं ये तो पुराना है, अभी तो नया कब से आ गया, आप कौन से जमाने में जी रहे हो भाई साहब, ये लो, ये देखो इतनी सारी लाइन है, इतनी सारी भीड़ खड़ी, इनके हाथों में देखो कौन सा कार्ड है। तो बोले नया कार्ड है। तो बोले आप तो पुराना लेकर आए हो, ये तो कब से एक्सपायर्ड हो गया है भाई, भारत ने तो नई योजनाएं दाखिल कर दी और आप अभी भी पुराने में जी रहे हो। तो समझ में आ रहा है प्यारो, कई बार विश्वासी ऐसा ही करता है कि पुरानी वाचा के तहत, उन नियमों के तहत अपनी आशीषों को ढूंढता रहता है,
हाँ ये वचन में ऐसा लिखा है, पुराने नियम में जब वो पढ़ता है, अच्छा यहाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ये पाओगे। अरे प्यारो, बहुत बड़ा डिफरेंस पुरानी वाचा में नई वाचा में है, कैसे है उसको ही आज हम समझना चाहेंगे। अगर आप पुराना रेशन कार्ड बताकर नए रेशन कार्ड के फायदे ले नहीं सकते हैं, तो आप पुरानी वाचा के आधार पर चल कर नहीं, हम कैसे उन आशीषों को देख पाए जबकि नई शर्तें लागू हो गई है, जबकि नई व्यवस्था, नया कानून लागू हो गया है। इसका मतलब है कि मुझे नए प्रकाश में चलना पड़ेगा, मुझे नई वाचा के प्रकाश में चलना पड़ेगा, नए नियम के प्रकाश में चलना पड़ेगा। अब आपको पता चले नई वाचा कब लागू हुई, नया कानून कब लागू हुआ? मत्ती रचित सुसमाचार निकालें, उसका 26वां अध्याय और 28वीं आयत में पढ़ूंगा। मत्ती 26 और 28। कई बार हम प्रभु भोज में इस आयत को पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहां? यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। क्या शब्द शुरुआत में यूज किया है यहां पर? प्रभु यीशु बोल रहे हैं, वाचा का लहू, वाचा का लहू, नई वाचा। हालेलुया। तो प्यारो, नई वाचा कब लागू हुई? जब यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को, निर्दोष निष्कलंक लहू को बहाया प्यारो, तो तब से नई वाचा लागू हुई। इसका मतलब है कि मुझे यह समझना होगा कि नई वाचा के तहत क्या लाभ है, क्या क्या फायदा है। अगर मुझे नई वाचा के तहत उस बेनिफिट को चाहिए, तो मुझे नई वाचा के तहत अपने आप को लाना पड़ेगा, नई वाचा के तले अपने आप को रखना पड़ेगा। अगर वो रेशनिंग कार्ड मान लो आपने नया निकलवाया और वो खो गया, और आप बाद में जाके दुकानदार को बोलेंगे भाई पुराने से काम चला लो, बोलेगा नहीं चलेगा साहब, नया निकलवाना ही पड़ेगा। मतलब एक समय आता है, तब तक वो समय बाइबल में जारी रहा, पर कुछ बात के बाद समय बदला है प्यारा, और हमें उस समय के साथ जीना है। अब देखिए आज के समय को हम देख ले, ये मेरे हाथ में मोबाइल है ना, और ये इस मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। आपके पास भी मोबाइल है, और अचानक कई बार जैसे भी आप, जैसे आप डेटा कनेक्ट करते हो, नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, क्या होने लगता है? कुछ एप्लीकेशंस की अपडेट आने लगती है कि भाई अब पुरानी पुरानी जो आधार है उस एप्लीकेशन का, उस आधार पर ये एप्लीकेशन नहीं चलेगी, अब आपकी इस एप्लीकेशन को अपडेट होना अनिवार्य है। आपको अपडेट करना पड़ेगा। नहीं, हम अपडेटेड वर्ल्ड में जी रहे हैं, जिसमें आए दिन कंटिन्यूअसली, आए दिन हर दिन नया नया आविष्कार हो रहा है, नई नई बातों की खोजबीन हो रही है, ज्ञान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और हम अपडेटेड वर्ल्ड में जी रहे हैं। अपने आप को, हमारे ऊपर एक चैलेंज हमेशा रहती है, हर एक विश्वासी के ऊपर, हर एक व्यक्तियों के ऊपर, कि वो जमाने के साथ अपने आप को अपडेट करे, अपने आप को अपग्रेड स्टेज में रखे, ताकि वो कहीं भी जमाने से पिछड़ ना जाए या तो पीछे ना रह जाए। आप मेरे बातों को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, है ना, वो पिछड़ ना जाए या तो पीछे ना रह जाए, इसलिए अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है प्यारो। यही बात विश्वासी के जीवन में लागू पड़ती है प्यारो। नई वाचा से मेरे साथ क्या फर्क हुआ है मेरे जीवन में, उसको मुझे समझना बहुत आवश्यक है। और इसलिए यीशु मसीह ने यह बात वहां पर बोली थी कि पुराने कपड़े पर नया पैबंद नहीं लगा सकते हैं। ये नया कपड़ा है, पुराना कपड़ा है, इस पर नया पैबंद लगाओ, नया पैच लगाओ, नहीं चलेगा। प्रभु ने क्या किया पता है? पूरा का पूरा कपड़ा ही नया बदल दिया है, वस्त्र ही नया कर दिया प्यारो। और प्रभु चाहता है कि उसको लेकर हम चले। इसीलिए इस वचन का आज का विषय यही है कि नई वाचा के प्रकाश में चलना। आपकी आशीष आप ढूंढ रहे हो,
आपकी आशीषों को आप खोज रहे हो, तफड़ रहे हो अंधेरे में, जब तक आप नई वाचा के प्रकाश में नहीं आओगे प्यारो, आप उन आशीषों को नहीं देख पाओगे। क्यों क्यों नहीं देख पाओगे? अब एक और आयत में पढ़ूंगा आपके लिए, पहला पत्रस 2:9 निकाले, पहला पत्रस 2:9 क्या लिखा है यहां पर। और निर्गमन 19:5 अपने सामने खोल कर रखिएगा, है ना, निर्गमन 19:5 अपने सामने खुली रखिएगा। देखो पहले 19:5 पढ़ लेते हैं। इसलिए पुरानी वाचा में क्या था, पुरानी वाचा जब परमेश्वर ने लोगों के साथ बांधी, इज़राइलाइट्स के साथ, तब क्या हुआ? इसलिए यदि तुम मेरी निश्चय मानोगे, यदि तुम मानोगे भविष्य काल की बात और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो यदि और तो मानोगे पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, इस समस्त पृथ्वी में तुम मेरी खास प्रजा बनोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। और अब पहला पत्रस 2:9 में क्या लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। अब ये यहां लिखा नहीं कि होंगे, यह नहीं लिखा है कि होंगे, यहां क्या लिखा है, आप हो, आप ऑलरेडी हो। कौन? जो यीशु को अपना उद्धार समझे है, उद्धार करता समझे है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, किस बात को लेकर, अपने उद्धार करता के रूप में। तो लिखा है कि आप ऑलरेडी हो। कौन? कि तुम एक चुनाव वंश हो, तुम विश्वासियों को ये पत्री पत्रस ने लिखी थी और साफ बात यहां वर्णन की कि तुम एक चुनाव हुआ वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निजी प्रजा हो। होंगे ऐसा नहीं, पर 19:5 निर्गमन में क्या लिखा है, यदि मानोगे, यदि पालन करोगे तो। अब नई वाचा में पुरानी वाचा में यह डिफरेंस है प्यारा, और इसी को समझना बहुत जरूरी है। और कई बार इसकी वजह से क्या होता है, विश्वासी का जीवन, विश्वासी व्यक्ति अपना जीवन डूज एंड डोंट्स, मतलब ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये करो, नहीं, ऐसी लाइफ बन जाती है। प्रार्थना सुबह उठकर करनी है, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अदरवाइज तुम पर प्रभु का फेवर नहीं रहेगा, चला जाएगा, अदरवाइज प्रभु का प्रेम आपके ऊपर थोड़ा कम हो जाएगा, आज आज छोड़ दो। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कार्यों पर, हमारी बाइबल रीडिंग पर, हमारी प्रार्थना पर और हमारी प्रार्थना में बिताए हुए समय पर, हमारी सेवकाई पर, हमारी उपलब्धियों पर, सेवकाई में हमने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या पाया है, उस पर हम आधार रखने लगते हैं। पर प्यारो ये बात नहीं, विश्वासी का जीवन डूज एंड डोंट्स वाला नहीं, कुछ नियमों का पालन करने वाला जीवन नहीं है प्यारो, इट्स समथिंग बियॉन्ड, नहीं ये इससे ऊपर है कुछ, इससे बहुत आगे है प्यारो, नियमों के पालन से बहुत आगे है। और जो लोग इन नियमों के पालनों में रह जाते, मुझे ये उठना ही है, मुझे ये करना ही है, मुझे ऐसा जीना ही है, कंपल्सरी कंपल्सरी फरजियात, मुझे ये करना ही करना है, ये करता रहूंगा तो ही, अदरवाइज मैं प्रभु की फेवर गवा दूंगा और मेरे पर बहुत संकटों का भरमार आ जाएगा, मेरे पर शायद बीमारी आ जाएगी, या तो ये बीमारी जाएगी नहीं, और न जाने कितने कितने ऐसे विचारों से लोग घिर जाते हैं। और कई बार आजकल YouTube पर और बहुत सारी जगहों पर ऐसा प्रचार भी चलता है कि अगर ये नहीं करोगे तो तुम पर ये हो जाएगा ना, फलाना हो जाएगा ना, नहीं तो तुम्हारा ये हाल हो जाएगा ना। अरे प्यारो, हमारी आशीष किसी के आधार पर नहीं है, या तो हमारे आधार पर नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस पर, या तो किसी के परफॉर्मेंस पर हमारी आशीषों का आधार नहीं है, हमारी आशीषों का आधार यीशु मसीह के बलिदान पर है प्यारो, यीशु मसीह का बलिदान, क्रूस। प्रभु ये बात बोलना चाहता है प्यारो, क्योंकि क्रूस ही वो जगह है जहां पर यीशु ने लहू बहाया था
और वो ही जगह है जहां पर नई वाचा को स्थापित किया गया। हालेलुया। देखिए एक और आयत हम पढ़ना चाहेंगे, कुलुसियों की पत्री दूसरा अध्याय 16-18। कुलुसियों की पत्री 2:16-18। क्या लिखा है यहां पर? इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त मतलब सपात के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। साफ लिखा है कि इन बातों में तुम्हारा कोई फैसला न करे। खाने पीने, अरे भाई ये मत खाओ, ये नहीं खाना, ये वो, ये खाना है, वो खाना है, या तो कोई पर्व खास कि भाई ये पर्व ही मनाओ, ये पर्व नहीं मनाओ। कई बार लोग बोलते हैं भाई हम तो नाताल नहीं मनाते, पहली कलीसिया में नाताल थी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। कोई फैसला ना करे। प्रभु साफ लिखा है प्रभु का वचन कि कोई पर्व या तो खाने पीने या तो नए चांद या तो सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला। अरे भाई तुम तो सब्बात सैटरडे में नहीं मानते हो, यही तो विश्राम वार है, आप तो संडे को मानते हो, ऐसा तो नहीं चलेगा, आप तो श्रापित हो जाओगे। कल को आपको आकर कोई बोलेगा ऐसा, सब्बात वार आप नहीं पालन करते हो, आप आशीष नहीं पा सकते हो, आप लोग तो संडे को जाते हो, ये तो गलत शिक्षा है। अरे प्यारो ऐसा बहुत सारा ज्ञान इस संसार में है, पर साफ वचन में लिखा है खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। मतलब इंसान कई बार दूसरों की जब सुनने में ज्यादा रह जाता है तो उनके आधार पर ये तय करने लगता है मैं कैसे बाइबल पढ़ूं, कब उठूं, कैसे सो जाऊं, इधर सोऊं, उल्टा सोऊं, मेरे घर का दरवाजा इस दिशा में रखूं, उधर रखूं। अरे भाई यरूशलेम की और दानियल तो खिड़की खुली रख के प्रार्थना करता था, मेरी खिड़की भी उस दिशा में होनी चाहिए। भाई यरूशलेम की इस दिशा में, अरे चलो अपने घर की खिड़की उस दिशा में हो और वहां पर प्रेयर रूम बनाओ। नहीं प्यारो, कोई खास जगह का कोई महत्व प्रभु नहीं रखता है प्यारो, कोई नियमों का महत्व प्रभु नहीं रखता है नई वाचा में कि भाई आप ऐसा करोगे तो ही आप आशीष पाओगे। ना साफ प्रभु ना बोलता है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तु ये मसीह ही की है। 18वीं आयत बहुत साफ लिखा है, पढ़िएगा। कोई मनुष्य आत्महीनता, देखिए आत्महीनता का मतलब है सेल्फ अबेजमेंट, इसमें लिखा है अपने आप को गिराना, अपने आप को नीचा दिखाना। मतलब कई बार लोग अपने आप को नीचा दिखा कर क्या साबित करते कि आई एम वेरी हम्बल, मैं बहुत ही नम्र इंसान हूं। पर हमारे शब्दों से हम नम्र नहीं बन सकते प्यारो, हमारे बोलने से हम नम्र नहीं बन सकते प्यारो, परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलते हैं, जब उसका सम्मान हम करते तब हम नम्र बनते हैं, जब हम हमारी गलतियों का एहसास करते हैं और परमेश्वर के आगे झुक जाते तब हम नम्र बनते हैं प्यारो। कोई व्यक्ति नम्र है उसका अनुकरण आप करने लगोगे और आप बताओगे हाँ मैं अब नम्र हो गया हूं, मैं भी इनके जैसे ही काम करने लगा हूं। नहीं प्यारो, ये नम्रता नहीं है, ये आत्महीनता है, ये शारीरिकता है, इसको बोला जाता है शारीरिकता, आत्मिकता नहीं है ये, क्योंकि हम ऊपरी बातों को देख रहे हैं और उसको लागू कर रहे हैं प्यारो। देखिए यहां पर क्या लिखा है, आत्महीनता और स्वर्ग दूतों की पूजा करा के तुम है दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। कोई ये सब दिखाकर और उसके आधार पर तुम्हें चलने पर मजबूर कराकर तुम्हारा प्रतिफल से तुम्हें वंचित ना करा दे। सावधान रहिए प्यारो ऐसी बातों से, कहीं आप ड्रैग हो रहे हो किसी बातों से कि भाई हाँ मुझे ऐसा करना ही पड़ा, किसी व्यक्ति के दबाव में आ रहे हो कि भाई ये ऐसा जीवन जी रहा है, मुझे भी जीना पड़ेगा, मुझे भी इतना सहन करना पड़ेगा, मुझे भी दुख उठाकर जीना पड़ेगा, मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा। कहां प्रभु ने ऐसा लिखा है भाई दुख उठा उठा कर जियो तो ही तुम आओगे मेरे राज्य में। अरे भाई प्रभु की महिमा करने के लिए हमें जो उठाना है वो उठाना है ना, चाहे रास्ता जैसा भी हो, सही हो और कठिन हो, समय हो या तो असमय हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें प्रभु के पीछे चलना है। पर हमें जानबूझकर दुख को हमारे सामने लाना नहीं, अपने आप को कमी घटी में नहीं ले जाना है। भाई प्रभु बोलता है मैं तुम्हें उठाना चाहता हूं और तू भाई गिरता जा रहा है, ये क्या बात हुई थी? नहीं, देखिए यहां क्या लिखा है, तुम्हें ऐसा करा कर कोई
प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। क्या लिखा है? ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। क्या आप देखी हुई बातों में लगे रहते हो? नई वाचा के प्रकाश में चलने का मतलब यही है कि हमें देखी हुई बातों में लगे नहीं रहना है। देखी हुई बातों में नहीं लगे रहना है। लिखा है कि ऐसा व्यक्ति अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता रहता है। ओहो, मैंने तो इतना बलिदान किया है, इतना त्याग किया है, मैं तो इतनी जल्दी उठकर सेवा करने जाता हूं, प्रार्थना करने जाता हूं। अच्छा, ये नहीं करता है तो ये तो बहुत नीचा हो गए, ये इनकी तो कैटेगरी बहुत डाउन हो गई और हम तो बहुत ऊपर है, कई बार ऐसा भी लगता है। और ऐसे बिहेवियर की वजह से, ऐसे व्यवहार की वजह से बहुत सारे विश्वासी ठोकर खा जाते हैं और वो अपने आप को नीचा हुआ और गिरा हुआ समझने लगते हैं। ओहो, हम तो ये पद पर, स्थान पर पहुंच ही नहीं सकते हैं, ये तो सिर्फ ये ही लोग कर सकते हैं, और हाँ इसीलिए हमारे जीवन में तो आशीष नहीं है, इसीलिए हमारे जीवन में उधारी चलती है भाई, इसीलिए हमारा जीवन तो भाई दबा हुआ ना, कुचला हुआ ही रहता है, हाँ इसीलिए बीमारी हमारे परिवार में से जाती नहीं, इसीलिए ये झगड़े टंटे जाते नहीं है। पर प्यारो, हम नियम से कुछ हासिल कर ही नहीं सकते, बाइबल ये हमें बताता है। देखिए क्या लिखा है, कैसे ऐसा बनकर हम शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलने लगते हैं। 19, उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ घटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। वो इंसानी तौर तरीके सीख लेगा, कलीसियाओं के तौर तरीके शायद सीख लेगा, कलीसिया की वर्शिप के तौर तरीके शायद सीख लेगा, पर वो परमेश्वर की ओर से जो बढ़ती आती है, परमेश्वर की ओर से जो प्रमोशन आता है, उन्नति आती है, वो कभी नहीं पाता है। वो बहुत निपुण हो जाता है कलीसिया के तौर तरीकों के आधार पर चलने से। हाँ, हमारी कलीसिया में तो भाई ऐसा नियम है कि भाई हम तो ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही चलेंगे। आपकी कलीसिया में नहीं है? ओहो, अरे रे, ऐसी है आपकी कलीसिया? आपकी कलीसिया में क्या है भाई? आपको पता नहीं है प्यारो, वो ही लोग स्वर्ग में होंगे तब आप हैरान हो जाओगे उनके प्रतिफल को देखकर। प्यारो, हम उद्धार पाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे, हम मेहनत प्रतिफल के लिए कर रहे हैं। ये समझ लीजिए आप यारो, है ना। आशीष आपको नई वाचा में आपके साथ जोड़ दी गई है, उसके लिए आपको परफॉर्मेंस देना नहीं है, आशीष आपके साथ जोड़ी हुई है। एक उदाहरण मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक व्यक्ति जहाज, शिप बोलता हूं, दरिया में जो जहाज होता है, समुद्री जहाज से वो अपना सफर करने वाला था और उसने टिकट ली और जो टिकट लेनी थी वो लेकर वो जहाज में चढ़ा। 40 दिन की उसकी उसका सफर था और वो जहाज में चढ़े उससे पहले उसने, उसके पास जितने पैसे थे उसके आधार पर उसने कुछ सामान खाने का ले लिया कि भाई कुछ चीज ली, कुछ बिस्किट्स लिए, कुछ वेफर्स ले लिए, ऐसे करके कुछ सामान ले लिया कि भाई ये मुझे 40 दिन काम आएंगे, मैं भूखा होऊंगा तब। अब वो क्या किया, उसका सफर शुरू हुआ, जहाज में चढ़ा, जहाज निकल पड़ा समुन्द्र में और 40 दिन का सफर था ये। अब क्या हुआ, जब खाने का समय आता था तो सभी लोग जो जहाज पर सवार थे, रेस्टोरेंट जो जहां पर जहाज में होता था वहां पर पहुंच जाते थे और हर एक को वहां पर डिश मिलती थी और वो लोग खाते थे। पर ये इंसान क्या करता था, ये इंसान ने अपने लिए जो वेफर्स, जो बिस्किट्स और चीज वगैरह जो कुछ भी लिया था वो उसमें से वो खाता था उस समय और लोगों को देखता था कि हाँ ये लोग तो डिश खा रहे, अच्छी डिशेस खा रहे हैं, कोई ये खा रहा है, कुछ अच्छा खा रहा है, कुछ ऐसे ऐसे कुछ खास खास चीजें खा रहे थे। पर ये इंसान ऐसा करता था और हर रोज ये बात होती थी कि जब भी खाने का समय आता था ये इंसान अपने बक्से में से या तो अपने बैग में से कुछ निकालता पैकेट्स और उसमें से क्रैकर्स, बिस्किट्स वगैरह सब कुछ खाने लगता था और ऐसे अपने पेट को भरता था। पर दूसरे लोग ये सब नहीं खाते थे, वो लोग रेस्टोरेंट में जो दिया जाता था वो खाते थे। अब क्या हुआ पता है, 40वां दिन आया तब उस जहाज के जो रेस्टोरेंट का जो व्यक्ति था, मेन कारोबारी संभालने वाला जो व्यक्ति था, वो आया और इस व्यक्ति से मिला और उसने बोला कि सर आपको हमारा जहाज पसंद नहीं आया क्या, आपको हमारे जहाज का खाना शायद अच्छा नहीं लगता है क्या।
बोले क्यों? तो बोले मैं कितने दिनों से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, जब से आप इस जहाज में चढ़े हो आप अपने पास जो चीजें वो ही खा रहे हो, जबकि जहाज पर जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप नहीं खा रहे हो। वो इंसान बोलता है कि हाँ मैं नहीं खा रहा हूं। तो बोले क्यों भाई? तो बोले इसके लिए तो पैसे लगते होंगे, मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है। तो वो इंसान जहाज का जो ऊपरी था उसने बोला, अरे वो हंसने लगा मन ही मन, आप किस अज्ञानता में हो अभी? बोले क्यों क्या हुआ? तो बोले आपने जो आपकी टिकट दिखाई मुझे, तो उन्होंने टिकट दिखाए, तो बोले टिकट में आपने ध्यान से पढ़ा, टिकट में ये बातें लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर ये बात लिखी है कि इस सफर में आपको दोनों टाइम खाना, लंच और डिनर दोनों प्रोवाइड किया जाएगा। वो इंसान हक्का बक्का रह गया, अरे बाप रे ये कैसे हो गया, ये मेरे ध्यान में से कैसे निकल गया, मैं तो अंधेरे में रहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं रहा, मैंने काश ये टिकट को मैंने ध्यान से पढ़ा होता तो मुझे मुझे ये सब बातें जो इन्होंने खाई वो मेरे पास होती, मुझे फायदा मिलता। अब आप सोचो इस इंसान को कितना बड़ा लॉस हुआ, समझ सकते हो ना? वो व्यक्ति ने बोला उसको कि ये तो पूरा पैकेज आपको मिला था, ये तो पूरा पैकेज आपको मिला था, आपने जो कीमत अदा करके टिकट ली उस टिकट में लंच और डिनर भी शामिल था। पर ये इंसान को पता नहीं था। प्यारा कई बार हम भी ऐसा ही करते, आज के विश्वासी कई बार ऐसा करते हैं कि अपनी आशीषों को पुराने नियम में ढूंढते हैं, पुराने नियम में वाह यहां पर यह आशीष लिखी है, अच्छा यहां पर यह आशीष लिखी है, ये मेरे पास नहीं है। क्यों भाई? अब समझना है प्यारो, पहला पत्रस 2:9 फिर से आप ध्यान में लीजिए, वहां पर क्या लिखा है कि आप चुना हुआ वंश हो, राज पदाधारी याजकों का समाज हो और प्रभु की खास और निज प्रजा हो। अब दूसरी बात देखिए, कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय और 12वीं आयत, देखो 12वीं आयत क्या लिखी है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया, इस बोल मेरे पीछे बोले इस योग्य बनाया, इस योग्य बनाया, क्या किस योग्य बनाया? कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। किसके साथ सहभागी हो? ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास, मतलब विरासत, जो इन पवित्र लोग, पवित्र लोग कौन है? अभी हमने पहला पत्रस 2:9 में पढ़ा कि तुम पवित्र प्रजा हो, यीशु के बलिदान को स्वीकार करके आप और मैं नई वाचा में शामिल हुए हैं प्यारो, और हम लोगों को कहां कुछ मिला है, क्या मिला है? पवित्र लोगों की मीरास, जिसको बोलते हैं आशीषों का वासला, मतलब जो आशीषों की विरासत है वो उनको मिली हुई है प्यारो। तो हम कहां ढूंढ रहे प्यारो? हमें जस्ट इसको क्लेम करना है कि प्रभु मुझे दिया है तेरा धन्यवाद, क्योंकि यहां यही बात बोली है कि हमें योग्य बनाया, लिखा इंग्लिश में से लिखा यू आर ही क्वालिफाइड यू To share inheritance of the saints. He qualified you. आपने अपने आप को qualified नहीं करना है, उसने आपको qualified किया है। Hallelujah. Hallelujah. आपकी चंगाई के लिए आपको अपने आप को qualified नहीं करना है, qualified उसने आपको किया है। आपकी आशीषों के लिए आपको अपने आप को योग्यता का स्तर नहीं लाना है, देना है, योग्यता का स्तर आपको परमेश्वर नई वाचा के तहत दे चुका है। अब ये प्रकाश में आपको और मुझे जब तक जिए तब तक चलना है प्यारो। मुझे नई वाचा में शामिल किया गया है, मैं पुरानी वाचा में नहीं हूं प्यारो। उसी ने 13वीं आयत हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करे। अंधकार में थे पर अब हमें अब कहां लाया है? प्रकाश में। मतलब मैं यहां पर नहीं था, यहां पर था, पर अब मैं कहां आ गया हूं? यहां पर लिखा है मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर कहे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तूने मुझे अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है।
हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, कहे प्रभु धन्यवाद क्योंकि तूने मुझे अंधकार के डोमिनियन से, अंधकार के वश से छुड़ाया है। प्रभु धन्यवाद क्योंकि मैं अपने आप को क्वालिफाइड या तो योग्य बना नहीं सकता था, पर यीशु तेरे बलिदान से मैं योग्य बना हूं, तूने मुझे क्वालिफाइड किया है। हाँ प्रभु धन्यवाद करता हूं मैं। हालेलुया हालेलुया। और इसीलिए प्यारो हमें नई वाचा के प्रकाश में जीना है। अगर आप इसको मिक्स करोगे, हाँ यार यहाँ पर तो ऐसा लिखा इसे अब तो श्राप आएगा, अरे प्यारो नई वाचा के तहत हम है, हम आशीषों के तहत तले हैं प्यारो। हाँ कुछ बातें हैं जो होनी बहुत जरूरी है। अब क्यों और कैसे हम थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए गलाती 3:12-13 निकाल कर पढ़े, गलाती 3:12-13 क्या वचन लिखा है यहां पर, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। गलातियों की पत्री 3:12-13, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, ये दोनों अलग है। क्या लिखा है, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा, वह उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। पर हमारे लिए क्या लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, 13वीं आयत, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। आप श्राप को देखना चाहते हो कहां पर है, आप घर पे आप शांति से पढ़ना, अभी हम नहीं निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय उसके 15-68 तक श्राप ही श्राप लिखे हैं, पढ़िएगा, श्राप ही श्राप लिखे हैं। और 15-68 आयत उससे पहले आशीष लिखी है, पर वो भी कंडीशंस अप्लाइड, वहां पर भी कंडीशन अप्लाई, ये करोगे तो, ऐसा करोगे तो, ऐसा करोगे तो। पर नई वाचा में क्या है, भविष्य काल नहीं है, यू आर ऑलरेडी देयर, आप वहां पर हो, आप उस स्थान पर हो, आशीषित स्थान पर हो। हालेलुया। और यही तो हमें समझ कर चलना है प्यारो, नहीं तो अदरवाइज हम वो ही बातों में रहेंगे, ओ परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे इस श्राप से छुड़ा, इस बीमारी के श्राप से छुड़ा, ऐसा कर वैसा कर, पूर्वजों के पापों की माफी मांगने लगेंगे प्यारो। पूर्वजों के पापों को हम कबूल कर सकते पर माफी नहीं मांग सकते, उसकी माफी हम नहीं ला सकते हैं प्यारो। देखिए मसीह हमारे लिए श्रापित बना। कई बार हम ऐसा समझते कि यहूदी प्रजा सबसे ज्यादा आशीषित है, वहां पर बड़े बड़े फल होते हैं, वहां का फल बड़ा होता है, वहां का सब प्योर होता है, ये है वो है। अरे प्यारो क्या शारीरिक कारण हम बताते हैं, जबकि हमारे पास जो वाचा हुई है उससे उत्तम वाचा हमारे साथ हुई है जो नई वाचा कहलाती है। हाँ प्यारो हम जानबूझकर अपने आप को पुराने नियम में घसीट कर ले जा रहे हैं, फिर क्या मिलेगा हमें, पुरानी वाचा में क्या रहा है हमारे पास, क्योंकि नियम से तो हम धर्मी नहीं ठहर पाएंगे, नियम से तो हम अपने आप को योग्य नहीं ठहरा पाएंगे, तो फिर हमारे पास क्या रहा, हमारे पास ऐसा कोई बलिदान नहीं है जिससे हम योग्य ठहर सके प्यारो, अगर हम नियम के आधार पर चलेंगे तो। पर हमें नियम से परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है, ही मेड अस फ्री फ्रॉम द लॉ। हालेलुया। क्यों, क्योंकि वो श्रापित बन गया हमारे लिए, कहां पर, क्रूस पर, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचे जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। हालेलुया हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले प्यारो। यह इसलिए हुआ कि वो आशीष हमें मिले। समझ में आ रहा है, हम कहां ढूंढ रहे वो आशीषों को, पुराने नियम में जा रहे हैं। अरे भाई जबरदस्ती मैं पुराने नियम में घुस रहा हूं, घसीट रहा हूं अपने आप को, पर वहां आशीष तो मेरी यहां पर रखी है, आशीष तो मेरे लिए यहां पर है, यीशु में है, क्योंकि वो श्रापित हो गया है, तो यीशु से अलग होकर मैं कभी भी आशीषित नहीं हो सकता। नियमों को मानकर मैं कभी भी आशीषों को के लेवल को बढ़ा नहीं सकता हूं प्यारो, मैं नीचे ही चला जाऊंगा, नीचे ही उतरता जाऊंगा। ये बात हमें समझनी है प्यारो। उसने वाचा का वो लहू बहाया जिससे हम धर्मी ठहरे,
नियम से हम धर्मी नहीं ठहर सकते थे प्यारों। रोमियो 5:9 क्या लिखा है आप पढ़ोगे? रोमियो की पत्री 5:9। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, क्या लिखा है? उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। हम धर्मी किसकी वजह से ठहरे? उसके लहू, यीशु का बलिदान, यीशु का बलिदान। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए हमारी घमंड का कारण हमारी आशीष नहीं होनी चाहिए, हमारा बलिदान नहीं होना चाहिए। सी मैंने क्या किया है, देखो मैंने क्या क्या काम किए हैं, देखो मैंने कैसी सेवा की है, मेरे पूर्वजों ने क्या क्या किया है, इसलिए मुझे आशीषें मिल रही है। रॉन्ग लॉ प्यारो। परमेश्वर ने जो बलिदान दिया, जब आपने उसके साथ जोड़ा है व्यक्तिगत रूप से, इसलिए आप और मैं आशीषित हुए हैं प्यारो। यस, खामखा हम अपने आप को घसीट कर पुरानी वाचा में घसीट कर ले जा रहे हैं प्यारो, जबकि नई वाचा हमसे हो गई है कि प्रभु ने ऐसा बनाया, ऐसी योजना की कि हमें यीशु के बलिदान के द्वारा कुछ भी नियमों की पूर्ति किए बगैर हमें आशीषें मिल जाए। हालेलुया। देखिए एक और बात हम पढ़ना चाहेंगे, नई वाचा इब्रानी 8:12 में आप पढ़े क्या लिखा है नई वाचा के पे। यूं ही कई बार हम बार 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 वो ही पापों का पश्चाताप और कबूलात करते रहते। इब्रानी 8:12 आए क्या लिखा है? क्योंकि मैं नई वाचा में ये बात लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। इब्रानी 10 में भी वही बात लिखी है, 10:17, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, मैं कभी स्मरण न करूंगा। नई वाचा तो यह बोलती है, और एक जगह तो ऐसा लिखा है कि दाऊद ने वहां पर उस समय में इस बात को देखकर प्रभु का धन्यवाद किया। किस बात को? कि अपराध मिटाया गया है, ऐसा समय आने वाला है कि लोगों के अपराध मिटा दिए जाएंगे, जिसका स्मरण नहीं रखा जाएगा, जिसका हिसाब नहीं रखा जाएगा, जिसका कोई लेखा नहीं लिया जाएगा। और दाऊद ने ये बहुत पहले देख लिया था प्यारो, और इसलिए वहां पर दाऊद बोलता है कि जिनका पाप ढका गया है धन्य है वो, आशीषित वो है जिसका पाप ढका गया है। हम अपने आप को प्रायश्चित करके ढांकने का प्रयास करते हैं हमारे पापों को, पर हमारे पापों को तो ऑलरेडी यीशु मसीह ने ढांक कर दूर कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ढाका हुआ वही रहेगा प्यारो, पर जिसको दूर किया गया है वो नई वाचा में है प्यारो। हालेलुया। आप किस वाचा में रहना चाहते हो? आप अपनी आशीषों को कहां लेना चाहोगे, नई वाचा में कि पुरानी वाचा में? मर्जी आपकी है, आप विश्वास करोगे वैसा प्रतिफल आपको मिलेगा, जैसा चाहोगे वैसा आप पाओगे। आपको मेहनत कर चंगाई लेनी है, आपको मेहनत कर ऊपर आना है, आपको बहुत कुछ त्याग बलिदान कर आपको ऊपर आना है, तो फिर यीशु का बलिदान देने का कोई वजह ही नहीं रहा। प्रभु ने तो उठाया है, सिर्फ मुझे यीशु की सुनना है प्यारो, सिर्फ यीशु जो कहता है वो सुनना है, और वो मुझे चलना है, उसके पीछे चलना है प्यारो। हम अपने आप को नहीं नियमों तले बांध के ना रख दें, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। एक फाइनल एग्जाम्पल वचन में से देखकर हम आज के इस वचन को पूरा करेंगे। रोमियो की पत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले एक उदाहरण मुझे याद आता है। यहां पर नई वाचा में क्या लिखा है कि मैं उनके अपराधों का स्मरण नहीं करूंगा, कोई हिसाब, नो मोर अकाउंट, सब कुछ हिसाब चुकते, ऑल फुल्ली पेड, साफ। नहीं, प्रभु के बलिदान से यह बात हो गई है। एक समय तक जब यह प्रकाशन नहीं आया था, कुछ सदियों पहले मार्टिन लूथर किंग के बारे में आपको पता हो तो उनके बारे में आप पढ़ना। पता है फादर के पास उस समय में वो जाते थे और 5-5, 6-6 घंटे तक वो कन्फेशन करते थे। कन्फेशन बॉक्स में जाते थे और एक बॉक्स में कन्फेशन कंपार्टमेंट होता था जिसमें फादर बैठते थे और दूसरे बीच में एक जाली होती थी और दूसरे कंपार्टमेंट में वो व्यक्ति बैठता था और वो
तो व्यक्ति को अपने पापों को कन्फेस करना होता था। अब वो कन्फेस कहां कर रहा है? इंसान के आगे, उस फादर के सामने। मार्टिन ल्यूथर ऐसा ही कुछ करते थे, और वो भी पांच पांच छह छह घंटे तक कन्फेस करते रहते थे। वो फादर क्या बोलते थे पता है उसको? अरे भाई तू ठीक से पाप करके आ, पहले बहुत सारे और बहुत से पाप करके आ, फिर तू यहां पर आके कन्फेशन कर, ताकि तू अच्छे से कन्फेशन दे सके। ओ प्यारो, परमेश्वर ने हमारे पापों को मिटा दिया है ऑलरेडी। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु ने उनको मिटा दिया। हम क्यों माफी मांग रहे? क्योंकि शैतान को मौका ना मिले, और वो भी जब हम हमारे पाप धुल चुके हैं, भूतकाल के, वर्तमान के, भविष्यकाल के, तीनों नहीं, वे पाप धुल चुके, परमेश्वर ने उठा लिए हैं। पर अगर हमसे कोई गलती होती है तो ये हमारा रिस्पेक्ट है कि हम सॉरी बोलकर प्रभु से क्षमा मांगते हैं। दूसरी बात कि हमें हमारी अनाज्ञाकारिता शैतान को मौका न दे। नहीं, पाप ही है जिसके द्वारा शैतान को एक्सेस मिलता है, प्रवेश मिलता है। नहीं, हमारे जीवन में कुछ डालने का, कुछ करने का अधिकार शैतान को तभी मिलता है जब वो उसको सामने पाप करने वाला मिले, कोई पाप, कोई खास, अपने आप को शैतान कुछ रखे जिसके सामने, जैसे हवा, हवा के आगे शैतान ने ये बात ला के रखी और हवा ने वो किया। नहीं, दुर्वासना होती है, लिखा है याकूब की पत्री में, हर एक व्यक्ति कैसे पाप करता है कि वो दुर्वासना में खींच कर, अपने आप को दुर्वासना में खींच कर खींचा चला जाता है, लालसा में खींचा चला जाता है, और वैसे वो पाप करता है। पर वो पहले वही स्टेज में जब उसको रोका जाए तो पाप में आगे बढ़ने से हम अपने आप को रोक सकते हैं प्यारो। दूसरी बात जो हम पढ़ना चाहते हैं, रोमियो की पत्री आप निकाले, सातवां अध्याय, मेरे साथ रोमियो की पत्री सातवां अध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ने का समझने का प्रयास कीजिए, और एक से कुछ आयत पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा है? हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। व्यवस्था को जो पकड़े रहते हैं उनकी बात है, जो लोग उससे जीना चाहते हैं, लिखा है उन पर व्यवस्था की प्रभुता, डोमिनियन ऑफ द लॉ, व्यवस्था की प्रभुता उन पर रहती है। अब क्या लिखा है दूसरी, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। अब यहां पर दो है, विवाहिता स्त्री और उसका पति, विवाहिता स्त्री और उसका पति। देखिए हम पूरा पढ़ लेते हैं, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई, इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए हैं कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। अब लेख की पुरानी रीति नहीं, पुरानी वाचा के तहत हम सेवा नहीं करते, पर हम नई वाचा के तहत सेवा करते हैं। जितने भी लोग सुन रहे प्यारों, अपने आप को चेक कीजिए, हम करेक्ट कीजिए अगर कुछ गलती, हम नई रीति पर सेवा करते हैं, नई वाचा की रीति पर सेवा करते हैं, पुरानी वाचा की रीति पर सेवा नहीं करते हैं। हम दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा पता है? दाखरस और वो मशक दोनों फट जाएंगे, सब सब लॉस होगा प्यारों, कुछ फायदा नहीं होगा, कोई उन्नति नहीं होगी, दोनों शिक्षाओं को साथ में लेकर नहीं चला जा सकता है प्यारो, या तो ये या तो ये। क्या लिखा है यहां पर दो व्यक्तियों की बात की है, एक तो विवाहिता स्त्री, ध्यान से सुनिएगा, विवाहिता स्त्री और उसका पति। अब ये पति कैसा है यहां पर देखिए, ये विवाहिता स्त्री
व्यवस्था के अनुसार यह विवाहिता स्त्री कौन है, चलो हम उदाहरण के रूप में यह समझने का प्रयास करने के लिए मानते हैं कि ये हम है, विवाहिता स्त्री हम है, और वह पति कौन है, तो वो व्यवस्था है। अब व्यवस्था कैसी है, बिल्कुल सिद्ध है, परफेक्ट नहीं, मतलब उसमें कोई कोई किस्म का वो नहीं निकल सकता, वो उसमें जो करना है वो करना है, मतलब यू। और मतलब ये पति कैसा है, मिस्टर परफेक्शन, मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं, जिसको सब कुछ परफेक्शन चाहिए, जिसको थोड़ा भी 19-20 नहीं चलेगा, बिल्कुल परफेक्शन, बिल्कुल लेवल टू लेवल चाहिए उसको, ये पति ऐसा चाहता है। तो उस विवाहिता स्त्री की हालत क्या है, उस वो बंधी हुई है, यहां वचन क्या लिखा है, वो बंधी हुई है। अब वो छूटना चाहे तो भी छूट नहीं सकती है, अगर वो छूटना चाहती है और किसी दूसरे पुरुष की हो जाती है तो बाइबल में तीसरी आयत में क्या लिखा है, वो व्यभिचारिणी कहलाती है। क्या कहलाती है, वो व्यभिचारिणी कहलाती है। अब क्या हुआ यहां, अब कब वो छूट सकती है, तो यहां कंडीशन वो भी लिखी हुई है, यदि पति मर जाए, मतलब यदि व्यवस्था मर जाए तो वो छूट सकती है, तो विवाहिता स्त्री तो वो छूट सकते हैं, पर व्यवस्था मर नहीं सकती है। देखिए एक आयत मत्थी रचित सुसमाचार उसका, चलिए छोड़िए समय नहीं अपने पास, वहां पर लिखा है कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं, व्यवस्था को खत्म करने नहीं, मिटा देने के लिए नहीं, पर व्यवस्था को पूरा करने के लिए। हाँ प्यारो, लॉ व्यवस्था को या तो पूरा किया जा सकता है नहीं, या तो मतलब उसको परिपूर्ण ही किया जा सकता है, यही एक शर्त है, यही एक बात थी प्यारो। पर क्या हुआ यहां पर, व्यवस्था खुद मर नहीं सकती थी, व्यवस्था को हटाया नहीं जा सकता है, व्यवस्था मर नहीं सकती है, पर व्यवस्था को पूरा ही किया जा सकता है। तो इसका मतलब अब मरना किसके भाग में आ गया है, मरने की बारी किसकी आई है फिर, यस ऑब्वियसली विवाहिता स्त्री की। अगर विवाहिता स्त्री मरती है तो ही वो व्यवस्था से छूट जाएगी, है ना, या तो पति मर जाए पर वो संभव नहीं है, या तो अब ये मर जाए तो ही वो छूट सकती है। अब देखो किसी भी व्यक्ति को कोई भी दोषी ठहरता है उसको फांसी की सजा तभी दे सकते हैं जब वो जिंदा हो, किसी मरे हुए को फांसी की सजा नहीं हो सकती है, समझे आप, किसी मरे हुए को फांसी की सजा नहीं दे सकते है। मान लो किसी व्यक्ति ने खून किए बहुत सारे और उसने सुसाइड कर लिया बाद में, और अभी तक पता नहीं चला, पर बाद में सीबीआई ने जांच पड़ताल की और अब सच्चाई बाहर आ गई कि भाई ये तो हत्याएं हुई थी और ये हत्यारा ये था, पर अब क्या करे, अब हत्यारा तो है नहीं, नियम है वहां पर, नियम वही का वही है, पर अब हत्यारा है ही नहीं रहा, सजा किसको सुनाएंगे भाई, क्या उसकी लाश को कब्र में से निकालकर उसको फांसी देंगे क्या, ना तो संभव ही नहीं है। तो मतलब ये बात संभव है ही नहीं कि नहीं पति मर जाए या तो व्यवस्था हट जाए, पर कुछ ऐसा करना जरूरी था कि जिससे यह विवाहिता स्त्री यहां से छूट जाए। नहीं ये क्या लिखा है यहां पर, आगे हम पढ़ेंगे चौथी आयत, वैसे ही मेरे भाइयों विश्वासी लोगों की बात है, मेरे भाइयों पौलुस यहां लिखा है मेरे भाइयों, मतलब विश्वासी लोगों की बात है, क्या हुआ है हमारे लिए, क्या हुआ है, ये प्रकाशन है प्यारो, ये प्रकाश है हमारे लिए, इस प्रकाश में हमें चलना है, क्या कौन सा प्रकाश, तुम भी मतलब मैं भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, मतलब मैं मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरा हूं। हालेलुया, अब समझ में आ रहा है क्यों मसीह को श्रापित होना जरूरी था। देखिए क्या हुआ कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, पहले जो पति कौन था, व्यवस्था, पर अब परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया है कि व्यभिचार न कहलाए, हम उस दूसरे के जो जीवित हुआ मतलब यीशु के जो हमारा पति है उसके हम कहलाए जाए। हालेलुया, हालेलुया प्यारो, विवाहिता स्त्री उस व्यक्ति के साथ बंधी हुई थी, यहां पर जो शब्द लिखा है बंधी, बंधी होना उसका मतलब है बिट्रोथ्ड, मतलब
पूरी वाचा हो जाती है, कवर्नेंट हो जाता है, अग्रीमेंट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, पर कुछ समय के लिए उनको अलग रहना है। जैसे मरियम और यूसुफ अपने आप अलग रहते थे, नहीं अभी उनका मेल हुआ नहीं था, अभी एक छत के तले रहना उनका शुरू नहीं होता। हाँ, उनकी मंगनी हो गई थी, मत्ती 1:18 में ये बात लिखी हुई कि उनकी मंगनी हुई थी, पर यहां पर तो मरियम गर्भवती हुई। यूसुफ ने क्या सोचा वहां पर कि भाई ये तो गर्भवती है, मतलब इसने व्यभिचार किया है, ये मुझसे जुड़ी हुई थी फिर भी किसी दूसरे की हो गई है, इसका मतलब इसने व्यभिचार किया है। यहां पर वही बात लिखी है रोमियो 7 में, अगर विवाहिता स्त्री अपने पति के होने के बावजूद किसी और की होती है, मतलब किसी, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि हम व्यवस्था में भी चलेंगे और नए नियम में भी चलेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? यस, आप यार, पर कुछ ऐसा परमेश्वर ने किया कि जिससे यह व्यभिचार न गिना जाए, पर हम उसके हो जाए, यीशु के हो जाए, यीशु के साथ हो जाए। तो वो उसके लिए यीशु का मरना बहुत जरूरी था, यीशु का लहू बहाना बहुत जरूरी था कि हम उसके साथ जुड़ जाए। हालेलुया, उसके लहू बहाने के द्वारा, उसके मारे जाने के द्वारा, उसके शरीर का छलनी किए जाने के द्वारा, उसके शरीर को अपने आप को दे देने के द्वारा हम अब उसके हो गए हैं। जब वो जीवित हुआ हम उसके साथ अब जुड़ गए हैं प्यारो। हालेलुया, हम नई वाचा में है प्यारो, पुरानी वाचा के तहत हम जुड़े हुए नहीं है। परमेश्वर पुरानी वाचा से हमें नहीं देखता है, परमेश्वर हमें नई वाचा के तहत हमें देखता है प्यारो, और ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है प्यारो। हम क्या हुआ, यीशु हमारे लिए शापित हुआ, व्यवस्था ने न्याय किया हमारा, कैसे? यीशु को बलि चढ़ाकर, नहीं, यीशु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। ये बात हमारे लिए बनी है प्यारो, अब हम यीशु के हो गए हैं। और इसीलिए पौलुस जो व्यवस्था पर चलने वाला एक चुस्त और कट्टर फरोशी था प्यारो, वो क्या कहता है जब वो विश्वासी बन जाता है, गलाती 6:14 आप पढ़ेंगे, गलाती 6:14 क्या लिखा है, पर ऐसा न हो, ऐसा न हो, विश्वासी लोग ऐसा न हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है, क्या नहीं होना चाहिए, कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का मैं घमंड करूं, तो किस बात का, मैंने इतना कर दिया, मैंने उतना कर दिया, मैंने ये कर दिया, प्रभु की सेवा के लिए इतना त्याग दिया, मैंने रोज बाइबल पढ़ा, मैंने इतनी बार बाइबल पूरा किया, मैंने बाइबल को लिखा, मेरे हाथों से लिखा और एक नया बाइबल बनाया। अरे क्या प्यारो, हम अपनी धार्मिकता को आगे लेकर जा रहे हैं, हमारा राइचियसनेस, सेल्फ राइचियसनेस लेकर हम जा रहे हैं, जिसको लेकर हम कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते। पौलुस क्या बोलता है कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करो, ऐसा न हो, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। क्यों? क्योंकि क्रूस के द्वारा क्या हुआ है, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया हुआ है। ओ हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। और इसीलिए मुझे नहीं अन्य किसी बात का घमंड करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ना किसी सेवक को, ना किसी सेविकाई को, ना किसी विश्वासी को, ना किसी माँ बाप को, ना किसी को भी घमंड का वजह रहा, किसी को भी, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान को। और इसीलिए प्यारो पुराने जो कलीसिया थी पहली, क्या करते थे पता है, प्रभु बोझ लेते थे। क्यों? क्योंकि वो याद कर सके क्रूस के उस बलिदान को, वो बता सके कि यीशु मेरे लिए मरा है, वो बता सके लोगों के सामने संसार में कि हम संसार के लिए मरे हुए हैं, हम यीशु के साथ जुड़े हुए हैं और व्यवस्था के श्राप से अलग है। हालेलुया, प्यारो यही बात पौलुस यहाँ पर बोलता है, मैं किसी अन्य किसी बात का घमंड न करूं, मेरे लिए घमंड का कोई कारण नहीं। प्यारो, अगर आप अपनी आशीष, अपनी चंगाई नियम पर चलकर पाना चाहते हो तो आप प्रयास करें, पर अगर आप यीशु के बलिदान पर विश्वास करके पाना चाहते हो तो आज ही है, अभी ही है। हाँ, मैं ये बोलता हूं,
आज ही है, अभी ही, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास करेगा वो पाएगा। यारो कई बार हम और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु ने अनकंडीशनल लव किया है, बिन शर्ती, कोई शर्ते नहीं रखी है, और बाद में कुछ समय बाद हम बोलते हैं कि हाँ इतनी इतनी शर्तें रखोगे तो ही प्रभु का प्रेम तुम पर है, नहीं तो प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता। प्यारो ये डबल माइंड कैसे हो सकता, हम ये नहीं रह सकते, डबल माइंड दो चित्ते नहीं रह सकते, और हमारा परमेश्वर भी दो चित्ता नहीं है, दो मन नहीं बता सकते, वो दोगला नहीं है कि हाँ भाई चलो ये करोगे तो ही मैं तुमसे प्रेम करूंगा, और ये नहीं किया है तो आज थोड़ा कम प्रेम करूंगा, या तो प्रेम बिल्कुल नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। उसका प्रेम अनंत है, उसका प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं है, उसका प्रेम अगापे प्रेम है, आत्मिक प्रेम है, जो कभी खत्म नहीं होता है। हालेलुया। और प्यारे उसके प्रेम को इस दुनिया के प्रेम के समान ना समझिए। अगर वो दो चित्ते मन वाले, दो मन वाले व्यक्ति से अप्रसन्न रहता है तो समझ लीजिए वो खुद भी दो मन रहना पसंद नहीं करता, वो खुद भी दो मन रहना पसंद नहीं करता है परमेश्वर खुद भी। और इसलिए वहां पर याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है कि ऐसे दो चित्ते मन वाले को परमेश्वर से कुछ मिलेगा ये ना सोचे। याकूब की पत्री एक और कौन सी आयत है, तरीका से आठवीं आयत निकाल के पढ़े प्यार। याकूब की पत्री पहला अध्याय और क्या लिखा है, छठी आयत, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुचित्ता है। देखिए क्या है? प्रभु कहना क्या चाहते हैं, वह व्यक्ति दुचित्ता है, मतलब दो मन में बटा हुआ है और अपनी सारी बातों में चंचल है, मतलब कभी इधर है कभी इधर है, वो स्थिर ही नहीं है। प्रभु ये कहना चाहता है कि हमें स्थिर होना पड़ेगा, या तो नई वाचा में या तो पुरानी वाचा में। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी वाचा को हमें पढ़ना ही नहीं, उसमें से कुछ देख, वो किस लिए है प्यारों पता, पुरानी वाचा कुरिन्थियों की पत्री में ऐसा लिखा, हमारे उदाहरण के लिए, अच्छे जीवन के उदाहरण के लिए है। हाँ आप दाऊद को ले सकते हो, किस बात के लिए कि भाई हाँ उसने एक ऐसा जीवन जिया जो विजयी था। यूसुफ को देख सकते हो कि हाँ भाई वो दुखों में भी विश्वास योग्य ठहरा। आप इसराइली लोगों को देख सकते हो कि वो प्रभु के मार्ग से हट गए तो ऑटोमेटिक शैतान को उनके जीवन में काम करने का मौका मिल गया, महामारियां आई उनको खत्म करके गई। तो प्यार हमारे लिए ये उदाहरण के लिए है, एग्जाम्पल के लिए है, नमूने के लिए है, कि ये बातें हमारे नमूने के लिए कि भाई हमें भी परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाना है। अब हमें प्रभु में जोड़ा गया है तो हमें बैठे नहीं रहना, अब हम दिन के नहीं रही है, हम उजाले के हो गए। अभी हमने पढ़ा कुलुस्सी की पत्र पहले अध्याय 18 में पढ़ा कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र में उजाले में लाया, तो अब हम दिन के हो गए। एक और आयत हम पढ़ेंगे, पहला थेसलोनिकियों आप निकाले पांचवा अध्याय, पहला थेसलोनिकियों पांचवा अध्याय और चौथी आयत, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान, बोले मैं ज्योति की संतान हूं और दिन की संतान हूं, मैं दिन की संतान हूं, और लिखा है ज्योति की संतान और दिन की संतान है, और लिखा है कि इसलिए और न अंधकार के, अब अंधकार के नहीं है, दो में से एक ही है, न अंधकार के पर उजाले के, ज्योति के संतान पर लिखा है आगे, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे। यहाँ पर यह बात आती है, हम क्यों बाइबल पढ़ रहे, हम क्यों प्रार्थना कर रहे, हम क्यों प्रभु की इच्छाओं पर चल रहे, हम सोते नहीं रहना चाहते, हम प्रभु की आदेशों पर उसके ऊपर हम विश्वास कर किया है, ये बात कैसे साबित होगी, हमारे अंदर वो बीज है, पवित्रता का बीज है, पवित्र बीज है, अविनाशी बीज है, कैसे साबित होगा, अविनाशी फल से साबित होगा, प्रेम आनंद शांति परमेश्वर के स्वभाव की बात वहां पर की है। क्या लिखा है यहाँ पर, हमें इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पहला थेसलुनीकियों पांच और छठी आयत, पर जागते और सावधान रहे, हम दिन के हैं, दिन में जागा जाता रात को सोया जाता, और प्रभु ने लिखा है कि हम दिन के हैं, मतलब हमें जागते रहना है। और क्या लिखा है,
क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को, मतलब पापमय जीवन रात का जीवन है, अंधकार का जीवन है। अगर आप पाप की राह पर चल रहे हो और अपने आप को बोल रहे मैं तो नई वाचा में मैं आशीषों का हकदार हूं पर मैं पाप कर रही हूं, तो मेरे ऊपर शैतान को अधिकार मिल जाता है, बीमारी को अधिकार मिल जाता है, मैं उसी में रहूंगा, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा उसमें से। और यही बात है प्यारो कि मुझे नई वाचा में जीना, नई वाचा के प्रकाश में मुझे चलना है प्यारो, अदरवाइज मैं ऐसे श्रापों में चला जाऊंगा और मैं मांगता रहूंगा मांग। प्रभु ने बोला है कि प्रभु कहेगा कि मैंने बलिदान दे दिया है इसीलिए कि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों की हो जाए, और अन्य जातियां कौन है, हम है। कई बार हम यहूदी लोगों को आशीषित समझते हैं पर अन्य जातियों को नहीं, और अन्य जातियां कौन है, आप और मैं है प्यार, और हम लोग आशीषित ठहरे यीशु के बलिदान के द्वारा। यहूदियों से भी ज्यादा आशीषित तो आपको और मुझको प्रभु ने बनाया प्यारो, और हम यहूदियों की आशीषों को देखकर चल रहे प्यार, कहां की बात है प्यारो। प्यारो अपने आप को जांचिए प्यारो, नई वाचा के तले लाइए और किसी नियम में ना फंसे। किसी ने बोल दिया ये ही करो, 3 बजे उठकर दुआ करोगे तो ही सुनी जाएगी, 5 बजे उठकर दुआ करोगे तो ही सुनी जाएगी, 6 बजे उठोगे और 40 उपवास करोगे तो ही सुना जाएगा। नहीं प्यारो, ये हमारी उपलब्धि, ये हम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते अपने आप को। लिखा है ही क्वालिफाइड अस, उसने हमें योग्य बनाया है, हमने अपने आप को योग्य नहीं बनाया है, हम तो योग्य बन चुके हैं उस पर विश्वास करके, ताकि हम उसकी आशीष हो के हकदार हो, जो विरासत में पवित्रों को दिया गया है, पवित्र लोगों को, उसके हकदार हो, वो आशीषों को हम देखें हमारे जीवन में। मैं विश्वास करते हो क्या प्यारो आप कि आप नई वाचा के तहत यीशु मसीह के चेले हो प्यारो, आप दिन के हो, तो अपने आप को उजाले में रखिए, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के उजाले में रखिए, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में चलाइए। यीशु ने जो शिक्षाएं बोली है उस बातों को पढ़िए प्यारो। हाँ, मैं नई वाचा की बात कर रहा हूँ, नए नियम की बात कर रहा हूँ, उन सुसमाचारों को, उन पत्रियों को पढ़िए जो हमारे लिए अनुशासन है, जो हमारे लिए एक ऐसा जीवन प्रदान कर सकते हैं कि जो आशीषों से भरा। हम बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते कि हाँ हमें कुछ मिल जाए। कई बार हम घर का काम काज छोड़कर हम ऐसा बताते ओ मेरे लिए काम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए प्रभु इंपॉर्टेंट है, देखो मैं काम करने वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। अरे हाँ, मार्था तो काम करती थी पर मरियम ने तो अच्छा भाग चुना था, प्रभु ने ऐसा बोला है। अरे हाँ, चलो फिर हम भी अच्छा भाग चुनते हैं, करने दो, मरने दो मेरे माँ बाप को, मेरी वाइफ को, मेरे हस्बैंड को काम काज करने दो, हम भी प्रार्थना करें। अरे 24 घंटे प्रार्थना करो ना, हाँ उत्तम भाग पकड़ कर बैठे रहो और आशीष उतर आएंगे आपके ऊपर। हाँ प्यारो, आशीष वो लोग पाकर चले जाएंगे। हम क्या समझते हैं नई वाचा को प्यारो, हम शारीरिक तौर पर नई वाचा को नहीं ले सकते, समझ सकते हैं प्यारो, हम शारीरिक रूप से काम करके हम आशीषों के हकदार है ये बताना चाहते, ये कभी नहीं हो सकता है प्यारो। हम आत्मिक रूप से प्रभु से जुड़े हुए और जो यीशु ने दिया है वो हमारे पर हमारे जीवन में रखा है। हालेलुया, ऐसा लिखा है यहाँ पर पहला थसलुनीकियों में कि हम दूसरों के समान सोते हैं। हम अभी भी सोते हैं प्यार, हम पुरानी वाचा में हम चल रहे हैं, हम वो दोनों रीति से सेवकाई कर रहे हैं, हम अभी भी सो रहे हैं प्यार। क्या लिखा है यहाँ पर, हम जो दीन के हैं क्या करें, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, सावधान रहे। आपको क्या मिला है यीशु में, आपको उद्धार मिला है, सावधान रहे। नहीं ये रखे, लगाए रखे कि मुझे यीशु में उद्धार मिला है, मेरे कामों से उद्धार नहीं मिला है। लिखा है वह 10वीं आयत, हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए, सब मिलकर उसी के साथ जिए। अगर जाने दीजिए उन बातों, मैं यही बात बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर जो बात देना चाहता है उसके लायक हम कभी अपने आप को बना नहीं सकते, हम कभी भी उस बातों को कमा नहीं सकते, वी कैन नॉट अर्न इट, उसके ब्लेसिंग अनअर्न्ड है, उसको हम कमा नहीं सकते और हम इस योग्य रख बना भी नहीं सकते अपने आप को कि वो आकर हमें दे। ऑलरेडी हम अन्य जाति लोग थे
और उसकी दया हम पर हुई है। हम अन्य जाति लोग थे और उसकी दया हम पर हुई। प्रभु का धन्यवाद करें प्यारो कि आपको यह मौका मिला है कि यीशु में आप आशीष पाओ। कितनी बड़ी उपलब्धि यीशु ने आपके लिए ली, उसके लहू के द्वारा उसने सब कुछ खरीदा, न सिर्फ आपको पर आपके अच्छे जीवन को भी उसने खरीद लिया, एक अच्छी लाइफ को भी उसने खरीद लिया। और इसलिए अपने शरीर के अवयवों को नहीं, पहले अंधकार के कामों के लिए हम देते थे और अब हमें इस शरीर के अवयवों को, हमारे जीवन को, हमारे कार्यों को उसकी महिमा के लिए दे, हमारी सेवकाई, हमारे कामकाज उसकी महिमा के लिए, हमारी महिमा के लिए, हमें योग्य ठहराने के लिए नहीं। हमें तो प्रभु जो समझता है वो करेगा ही, उसका न्याय होगा ही हमारे कामों का, हमारे लिए प्रतिफल वो रखे हुए जो लिखा है, वो न्याय के दिन क्या होगा, आग से हर एक का काम परखा जाए, हर एक का काम पर प्रतिफल हमें मिलने वाला, हमारे अभिप्राय, हमारे मोटिव्स किस अभिप्राय से, किस भावना से नहीं, किस बात को लेकर हम अच्छे काम कर रहे हैं, किस मोटिव, किस हेतु से कर रहे हैं, ये महत्व करता है। तो प्यारो अपनी आशीषों को पुरानी बातों में न ढूंढे, अपनी आशीषों को नई वाचा में देखे और पाए, देखे, क्लेम करे। आखिरी एक आयत में पढ़कर इसको पूरा करूंगा, रोमियो की पत्री, इसको हम कैसे पा सकते हैं, रोमियो की पत्री पहला कोरिन्थियों दूसरा अध्याय, पहला कोरिन्थियों दूसरा अध्याय, क्या लिखा है यहां पर, उन आशीषों को परमेश्वर ने हम पर कैसे प्रकट किया है जिसके लिए प्रभु यह कहता है कि आंखों ने न देखी और मनुष्य के चित्त में न चढ़ी। दसवीं आयत रोमियो 2:10, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। नहीं, आत्मा के द्वारा हमें पवित्र आत्मा किस लिए दिया है, उसकी वजह क्या है? कई बार कुछ सेवकों को मैंने सुना है ऐसे कि पवित्र आत्मा हमारा नौकर नहीं है, सहायक, सहायक बोलकर हम सिर्फ उसको वहीं पर रख दिया है, पवित्र आत्मा बस मदद कर दे, ये कर दे, वो कर दे, मेरे लिए ये कर दे प्रभु। हाँ प्यारो, कई बार हम ऐसा बताते जैसे जैसे पवित्र आत्मा तो परमेश्वर है प्यार, और पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया कि हम परमेश्वर ने जो पवित्र लोगों को विरासत दी है, जो मीरास दी है, वो प्रकट हो, वो छिपी हुई खजाना बाहर आए। हालेलुया, देखिए पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। लिखा है 12वीं आयत, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाए जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी, उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया, अब जो दिया है उसको हम कैसे कहेंगे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु कर दे, प्रभु भर दे। अरे क्या कर रहे हैं प्यारो, जो दिया है उसको हम मांग रहे हैं। आपकी मम्मी आपके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है, सब आपके सामने रख दिया टेबल पर और आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो गलती किसकी है, आपकी मम्मी की गलती है कि आपकी गलती? यस, हमारी गलती, हमारी आंखें बंद है कि हमें टेबल पर क्या रखा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और बाइबल हमें इसीलिए पढ़ना है पवित्र आत्मा के मदद में, सहायता में, उसके प्रकाश में, कि हमें छिपी हुई बातें पता चले और उस प्रकाश में हम हमारे आने वाले जीवन को चलाए क्या। बस पुराने जीवन में ही हम अपने आप को घसीटे न रहे, ये करेंगे तो ही होगा, ये नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, आशीष नहीं मिलेगी। अरे प्यारो, नई वाचा में आपको जो दिया गया उसको निकाले, आपके पास सब कुछ दिया है परमेश्वर ने। लिखा है कि जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी, पवित्र आत्मा आपको मुझको इसीलिए दिया है। फ्रीली गिवन, इसी में ऐसा लिखा है ट्रांसलेशन में, फ्रीली मुफ्त में जो बातें दी है, जो बातें हमें मुफ्त में मिली है
वो हम कैसे कमा सकते हैं? आप सोचे, मुझे कई बार हंसी आती है कि हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि मेरे ये करने के द्वारा ये हो गया, मेरे ये करने के द्वारा ये फल मुझे मिला है। नहीं प्यारो, ये तो यीशु ने बलिदान दिया और बलिदान के द्वारा हम उसके साथ जुड़ गए, उस पर विश्वास करके, और क्या हुआ, पवित्र आत्मा हमें फ्रीली हमें उसने दिया है सब कुछ। हालेलुया। लिखा है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, पर लिखा है वे उनकी दृष्टि में मूर्खता की, उसको मूर्खता लगती है। हाँ प्यार, कई बार आपको ये सब बातें मूर्खता लगेगी, यार ये कैसे हो सकता है कि भाई हम आशीषो को बोले और ये हमारी हो। यस, वी आर ब्लेस्ड पीपल। यीशु में आप और मैं आशीषित है। और आपको पता हो बलाम की बात है ना, बलाम एक नबी था, भविष्यद्वक्ता था, और बालाक राजा उसको बोलता है कि इसराइलियों को श्राप दे, श्राप दे। वो क्या बोलता है पता है? जो आशीषित है उनको मैं श्राप कैसे दे सकता हूं? आई कैन नॉट रिवर्स इट। मैं उनको उनको दे ही नहीं सकता हूं, मेरा श्राप वापिस आएगा, वापिस लौटेगा। प्यारो, आप और मैं तो उनसे उत्तम वाचा में, हम लोग आशीषित लोग हैं प्यारो, और दूसरों को इस अवस्था में लाने के लिए चुना है। सुसमाचार हमें इसलिए देना है ना, इसलिए नहीं कि भाई प्रभु हमें मार नहीं देंगे तो प्रभु हमारा कुछ कर डालेगा, ये कर डालेगा, वो कर डालेगा। प्रभु का अनुग्रह है, हमारे अनुग्रह से हमें जो दिया है वो दूसरे लोग भी पाए, इसलिए मुझे सुसमाचार दे। लोगों को मूर्खता लगती है, शारीरिक मनुष्य को परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि उसे मूर्खता लगता है, और न वह उन्हें जान सकता है। ऐसे लोग जान भी नहीं सकते, वो अपनी बातों पर व्यर्थ खुलते रहेंगे। और लिखा है आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। और एक और ये हम कैसे आगे ला सकते हैं, तो दूसरा अध्याय और सातवीं आयत पढ़े, पहला कुरिन्थी 2:7। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, यहाँ पर जो शब्द लिखा है वो है विजडम, बोलिए विजडम, भेद की रीति पर बताते हैं। विजडम हम बताते हैं कैसे, वी स्पीक द विजडम, वी स्पीक द विजडम, परमेश्वर की बात है, परमेश्वर का ज्ञान। अब इसमें ऐसा लिखा है कि वी स्पीक, इसको बोलने के बाद जब हम परमेश्वर की आत्मा की गूढ़ बातें जो आशीषों के रूप में, विरासत के रूप में हमें दी गई, जब हम उसको पा लेते हैं प्रकाशन के द्वारा, जब हम उसमें स्थिर हो जाते हैं, एक उस प्रकाश में अपने आप को वहीं पर बनाए रखते हैं, उस कन्फेशन में, उस अंगीकार में स्थिर और दृढ़ रहते हैं, क्या होता है प्यारो, हम बोलते हैं विश्वास से, वो बातें बोलते हैं। कोई बोलता है और उसका अनुकरण करना वो बात नहीं है, बोल रहा हूँ आपको पवित्र आत्मा ने प्रकट किया और आप उसको बता रहे हो, आप उसको कन्फेस कर। मुझे पता है कि मैं ब्लेसेड हूं, क्यों हूं, तो वचन में ये लिखा है। कौन से वचन में? तो इस वचन में, और इसलिए मैं कन्फेस कर रहा हूँ, सो मैं उसको पा सकता हूँ। पर आप किसी को देखकर कन्फेस कर रहे हो वो बात नहीं है, मुझे पवित्र आत्मा प्रकट करेगा इस वचनों के द्वारा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं वचनों का महत्व समझिए, वचनों को पढ़िए, वचन में खाली पढ़ना नहीं, उसमें मनन कीजिए, उसमें जड़ों में अपने नहीं, अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए। अकाल नहीं आएगा, अकाल आएगा ना तो भी पत्ते नहीं मुरझाएंगे, क्योंकि जड़े अंदर तक होगी। जिनकी जड़े ऊपर ऊपर होती है ना वो खोखले हो जाएंगे, एक तूफान आता है ऐसे पेड़ गिर जाते हैं, पर जिनकी जड़े गहरी होती है वो पेड़ नहीं गिरता है प्यारो। इसलिए लिखा है कि इस वचन की शिक्षा को अधिकाई से बसने दो, जड़े गहरी बनाओ, जड़े पकड़ने वाले बनो, ऐसे ही ना ठहरे। प्रभु ने हमें दीन के लोग बना रखा है, उजाले के लोग। आइए प्यारो, अपने आप को प्रभु के सामने रखते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आप और मुझको आशीषित बनाया है, नई वाचा के लोग, नई वाचा के तहत उसके पवित्र लहू के बहाने के द्वारा उसने हमें धर्मी ठहराया, मतलब हमें योग्य ठहराया, उसके वचन, उसकी लहू के द्वारा हमें योग्य बनाया है। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं मेरी आशीषों को, मैं मेरी चंगाई को मेरे नियम के पालन के आधार पर ढूंढ रहा, मुझे क्षमा कर, जबकि तू वो दे चुका है, जबकि तू ये सब बातें फ्रीली मुझे दे चुका है। प्रभु
प्रभु मैं पा नहीं सकता हूं, मैं ऑलरेडी हूं, मैं ऑलरेडी प्रभु मैं चंगा हूं, आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड, मैं ऑलरेडी चंगाई पाया हूं, आई एम ऑलरेडी हील्ड इन जीसस नेम, मैं यीशु में चंगाई पाया हुआ हूं। प्रभु धन्यवाद करता हूं क्योंकि ये मेरे कार्य से नहीं है। इसलिए किसी भी मनुष्य को गर्व का कारण तूने दिया ही नहीं है। किसी मनुष्य का बलिदान प्रभु तेरे बलिदान से ऊपर पहुंच ही नहीं सकता है। तेरा बलिदान ही सर्वश्रेष्ठ है और पवित्र है क्योंकि क्रूस के द्वारा ही हम धर्मी है, क्रूस के द्वारा ही हम आशीषित है, क्रूस के द्वारा ही हम अंधकार के वश से बाहर है, क्रूस के द्वारा लहू बहाने के द्वारा ही हम शैतान के सकंजे से छुड़ाए हुए लोग है, क्रूस के द्वारा ही प्रभु हमारी सारी आशीष है, क्रूस के द्वारा ही परमेश्वर तेरे लहू बहाने के द्वारा ही और उसके साथ अपने आप को जुड़े रखने के द्वारा ही हम आशीषित और आशीषित और आशीषित और आशीषित बनते जा सकते हैं। प्रभु हमें इस सत्य को गहराई से समझने का अनुग्रह दे, हमारी मदद कर प्रभु कि हम इस सत्य के इस सच्चाई के प्रकाश में अपने आप को चला सके परमेश्वर, क्योंकि आपके वचनों पर चलना मतलब आपकी सच्चाई पर, उस सच्चाई के प्रकाश पर चलना है, ना कि सिर्फ डूज एंड डोंट्स, ये करना वो करना वो नहीं करना ये नहीं करना, प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी वचन की सच्चाई पर चलना है। हमें मदद कीजिए प्रभु ताकि आपका बलिदान व्यर्थ न रहे। प्रभु हम उन बातों को मांगते न रहे जो ऑलरेडी हमारी हो चुकी, जो ऑलरेडी हम पा चुके हैं, उसको कमाने का प्रयास हम ना करें प्रभु। अगर हमने किया है तो हमें क्षमा, हम आपके बलिदान को और आपके अनुग्रह को व्यर्थ ठहराए हुए, हमें क्षमा करें। ऑलरेडी आपने शरीर में होकर बलिदान होकर हमें अपना बना लिया, अब हम उस पुरानी व्यवस्था के नहीं रहे हैं परमेश्वर, उससे आपने हमें छुड़ा लिया है, व्यवस्था के श्राप से हमें आपने हमें छुड़ा लिया है। प्रभु हम धन्यवाद, आज हम प्रार्थना करते करना चाहते हैं आप लोगों के लिए प्यारे, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बिजनेस में, जो बीमारी में जूझ रहे हैं, जो निष्फलताओं के दौर में गुजर रहे हैं, जो एक गरीबी के श्राप से गुजर रहे हैं, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। ये इसमें से कभी भी आप और मैं बाहर नहीं आ सकते थे, पर नई वाचा के तहत ही हम बाहर आ सकते थे, इसीलिए परमेश्वर ने नई वाचा, अगर यह कभी भी न होता तो यीशु कभी भी परमेश्वर कभी भी अपने पुत्र को न भेजते, परमेश्वर कभी भी अपने पुत्र का बलिदान न देते, अगर ऐसा नहीं होने वाला होता तो, अगर हमारी चंगाई उसके बलिदान से नहीं मिलती, अगर हमारी आशीष हमारी उन्नति उसकी बलिदान से न जारी होती तो कभी भी पिता अपने पुत्र को न भेजता। पर उसको मालूम था कि यह आशीषों का दायरे में ये लोग तभी आ सकते जब मेरे पुत्र के बलिदान के द्वारा वे धर्मी है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपके बहाए पवित्र लहू से यीशु हम धर्मी ठहरे हैं, हम आशीषित ठहरे हैं, हम आशीषित है प्रभु, वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड पीपल, वहां प्रभु हम आशीषित लोग हैं। अगर आप में से ऐसे लोग जो बीमार है, जो अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, जो अपनी तंगाई में से बाहर आना चाहते हैं, जो अपनी आर्थिक तंगियों में से बाहर आना चाहते हैं, जो अपनी बीमारियों में से बाहर आना चाहते हैं, अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है तो कभी भी अपने कार्यों से आप बाहर नहीं आ पाओगे। किसी कलीसिया के साथ जुड़ने से, किसी सेवक के साथ जुड़ने से आप उसमें से बाहर नहीं आ सकते हो प्यारो, इन अवस्था में से आप कभी भी बाहर नहीं आओगे जब तक कि आप यीशु के बलिदान के साथ अपने आप को स्थापित न करो, अपने आप को जोड़ न दो। मुझे और आपको यह है कि हम क्रूस पर किए बलिदान को समझे और उसके साथ अपनी आइडेंटिटी को समझे, पहचान को जारी करें। हमारी पहचान हमारे बाइबल पठन से नहीं है, हमारे बलिदान से नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं से नहीं है, हमारी पहचान यीशु के बलिदान से है।
प्यारो, आपने शायद बहुत सारे उपवास किए होंगे, बहुत सारी विनतियां और बहुत सारी गिड़गिड़ाहट परमेश्वर के सामने की होगी, पर प्रभु कहता है कि इट इज ऑलरेडी डन फॉर यू, बेटा मैंने तेरे लिए कर दिया है ऑलरेडी सब कुछ, तुझे सिर्फ विश्वास करके मेरे साथ जुड़ना है, मुझे अपना परमेश्वर और प्रभु और स्वामी और मालिक ग्रहण करना है। प्यारो, यीशु के आगे झुक जाइए, यीशु ही आपको बचा सकता है, यीशु ही आपको इस अवस्थाओं में से बाहर ला सकता है, आपकी बीमारियों को उसी ने लिया है, आपकी तंगाई को, आपके संघर्ष को उसी ने लिया है, आपकी परिस्थितियों को बदलने की ताकत उसी ने क्रूस पर से जारी की है। अपने आप को यीशु के बलिदान के साथ जोड़िए, कहे ऐसे व्यक्ति कि यीशु मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए मरा, तू मेरे लिए संसार में आया, यीशु तू मेरे लिए मारा गया, यीशु तू मेरे लिए कुचला गया, मेरी चंगाई के लिए, मेरी उन्नति के लिए, मेरी आशीषों के लिए तू कुचला गया, तेरा लहू बहा कि मैं धर्मी ठहरू, तू तेरा बलिदान तूने इसलिए दिया कि मैं योग्य ठहरू, मुझे मुफ्त में तेरी आशीषें मिले, इसलिए प्रभु तूने बलिदान दिया है, मैं विश्वास करता हूं यीशु तेरे बलिदान के लिए, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, क्योंकि उसकी वजह से मुझे एक नई आत्मिक लाइफ, आत्मिक जीवन मिला है, मैं धन्यवाद करता हूं आपका प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तीसरे दिन तू जीवित हुआ है और तेरे साथ मुझे जोड़ दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्यारो, अगर आप में से किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया है तो बपतिस्मा वो बात है कि जो आपको यीशु की मृत्यु के साथ जोड़ती है। मुझे पता नहीं, पवित्र आत्मा मुझे ये बात ध्यान में ला रहा है कि अगर आप में से किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप बपतिस्मा के लिए अपने आप को आगे रखिए। अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आपने यीशु को अपना परमेश्वर और प्रभु समझा है, तो दूसरा स्टेप यही है बपतिस्मा। अपने आप को बपतिस्मा के लिए आप आगे लाइए। बपतिस्मा वो बात है प्यारो कि आपको यीशु की मृत्यु के साथ जोड़ता है, और बपतिस्मा वो बात है जब आप पानी से बाहर आते हो, आप नए जीवन में बाहर आते हो, यीशु ने जो प्राप्त किया है उसमें आप बाहर आ जाते हो। प्रभु, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं अपने नियमों पर चलता रहा, मैं मनुष्यों के संप्रदायों पर चलता रहा, मैं अपनी अज्ञानताओं पर और मनुष्यों की अज्ञानताओं पर चलता रहा, मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं नई वाचा के तहत अपने आप को कभी भी आशीषित नहीं समझा, मैं तो श्रापित ही समझता रहा अपने आप को, तो फिर तूने जो लिया क्रूस पर वो क्या हुआ प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, तेरे अनुग्रह की आत्मा का कई बार मैंने अपमान किया है, ये तो अनुग्रह था कि जिससे जिसके द्वारा मुझे बहुतायत से आशीष मिले, मुझे बहुतायत का जीवन मिले प्रभु, अनुग्रह से मिलने वाला था, और प्रभु मैं तो मेरे प्रयास से पा रहा हूं, मैं तो अपनी पहचान किसी कलीसिया के साथ छोड़कर मेरी पहचान स्थापित कर रहा हूं, मुझे क्षमा करे परमेश्वर, मेरी पहचान तो सिर्फ और सिर्फ यीशु तेरे साथ और तेरे बलिदान के साथ परमेश्वर, प्रभु मुझे क्षमा करे परमेश्वर, पर प्रभु आज मैं अपने आप को तेरे साथ जोड़ता हूं, आज मैं अपने आप को, मेरे जीवन को यीशु तेरे अधिकार के तले लाता हूं, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा उद्धार करता है प्रभु, मैं ये विश्वास करता हूं प्रभु, मैं ये विश्वास करता हूं, मैं अंगीकार करता हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए आया है, तूने मेरे लिए राह खोली, यीशु के नाम में जिन्होंने विश्वास किया है प्रभु, यीशु के नाम में जिन्होंने अंगीकार किया है, आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु के दास और हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं आज, यीशु के नाम में चंगाई उनके शरीरों पे बहे, यीशु के नाम में, हालेलुया प्रभु, यीशु के नाम में चंगाई और शांति उनके शरीरों में, उनके जीवनों में बहे, यीशु के नाम में, सारा श्राप नियम का हो या तो किसी भी कामों में शामिल होने के द्वारा हुआ हो, सारा श्राप हट जाए यीशु के नाम में, हालेलुया,
अगर उनकी आमदनी पर कोई श्राप है, उनके बिजनेस पर कोई श्रापित कोई बात हुई है, ऐसे कामों में शामिल होने के द्वारा अगर कुछ ऐसी बातें आई है, यीशु के नाम में हम उसे तोड़ते हैं। प्रभु उनको उन्नति दे, भले लॉकडाउन में से होकर गुजरे हैं, पर प्रभु तेरा वचन कहता है कि अकाल में वे तृप्त रहेंगे, धर्मी लोग तृप्त रहेंगे। प्रभु धर्मी हम तेरे लहू से ठहरे, आज हमने विश्वास किया है, और प्रभु यीशु के नाम में उनके बिजनेस में वे तृप्त बने रहे। यीशु के नाम में मैं सेटिस्फेक्शन को, मैं तृप्तता को जाहिर करता हूं, यीशु के नाम में भरपूरी को हम घोषित करते हैं, यीशु के बड़े और पवित्र नाम हम विश्वास करते हैं, एक मन होकर एक सहमति में हम जाहिर करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में चंगाई आए, छुटकारा आए। शैतान बार बार किसी को सता रहा है, बार बार झगड़े मन में ला रहा है, या तो परिवार में ला रहे, यीशु के नाम में अशांत मन दूर हो जाए, यीशु की शांति आए, यीशु की शांति आए ऐसे जीवन में, और प्रभु यीशु के नाम में वे स्थिर और दृढ़ और स्थापित हो, शांति इनके हृदय मन में छाई रहे, चाहे भले बड़ा तूफान हो, भले बार बड़े भले ऐसी परिस्थिति हो, पर यीशु तेरी शांति इनके मनों में बनी रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, प्रभु आपकी चंगाई, आपकी उन्नति, और प्रभु आपकी फ्रीली दी हुई आशीष प्रभु, जो पवित्र लोगों की विरासत है, मिरास है, प्रभु प्रभु जाहिर हो प्रभु तेरे लोगों पर, नई वाचा में चलने वाले हर एक लोगों पर जाहिर हो यीशु के नाम, और आपकी महिमा युगानुयुग होती रहे इन जीवनों के द्वारा। प्रभु ये होने दे कि प्रभु कभी भी हम किसी भी बात का खबर न करें प्रभु, ना हमारी उपलब्धियों का, ना हमारे बलिदानों का, ना हमारे किए हुए ऐसे कामों का, कर्मों का, या हमारे पिछले कर्मों का, पर प्रभु हम बलिदान पर, यीशु के बलिदान पर गमन करने वाले बने। प्रभु हमारे लिए वो ही बात कह रहा है, हम धन्यवाद, सारा आदर और मान सम्मान हम आपको देते हैं, इस वचन के लिए, इस बातों के लिए हम आपके आभारी हैं प्रभु, के सिखाए हुए प्रार्थना हम साथ में करते हैं। आकाश मन हमारा बाप, नाम पवित्र मनाओ, राज्य आओ, आकाश माध्यम पृथ्वी पर हमारी इच्छा पूरी, दिवस ने हमारे रूप लिया, क्षम में हमारा अपराध क्षमा चाहते, तमें हमारा अपराध में माफ, परीक्षा में न लाओ, गुंडाई थी हम राज्य पराक्रम तथा महिमा सर्वकार से देते हमें। इस महान पिता परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह, यीशु मसीह की शांति, उसका प्यार, परमेश्वर पिता का प्यार, और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और साथ आज से लेकर हमेशा तक हर एक विश्वासियों के साथ, कलीसिया के सदस्यों के साथ, और जो लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में उनके ऊपर बनी रहे, आमेन। थैंक यू प्रभु, आप सभी को आशीषित करें, ब्लेस यू।